हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहां पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएं, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हम मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं, ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो चलिए आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, और इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट www.thelaymanway.com पे मिल जाएगी। फ्री मटेरियल जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स, व्हाट आर इंडिजीनियस पीपल्स, ये दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। जैसे हमारे ट्राइबल्स हैं, राइट, सो ट्राइबल्स आर इंडिजीनियस पीपल्स। इंडिजीनियस दे आर इंडिजीनियस मतलब इंडिजीनियस समझ रहे हैं, जैसे हम कुछ बोलते हैं कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है ना, जैसे मेक इन इंडिया, राइट, तो इट इज़ इंडिजीनियस मतलब विद इन द कंट्री है। तो वर्ड इंडिजीनियस पीपल्स में बेसिकली ये ट्राइबल लोग उसकी बारे में बात हो रही होती है ना। और किसने रिपोर्ट रिलीज़ करी, ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट रिलीज़ किसने करी है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। आपको याद रखना है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स रिपोर्ट। अभी इंडिया में क्या चल रहा है, प्रोविजन क्या है इंडिया में इंडिजीनियस पीपल के रिगार्डिंग, तो हमको पता है 5th और 6th शेड्यूल दोनों डील करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, 5th एंड 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल किससे डील करता है, किससे डील करता है, AMTM। अब इसमें कौन है AMTM है, कमेंट करके बताओ व्हाट इज़ AMTM, है ना, सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होगा। 5th शेड्यूल में क्या है, व्हाट इज़ 5th शेड्यूल, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, हाँ गुड, इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, है ना। और 6th शेड्यूल आप मेरे को बताओगे कि ये AMTM वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये AMTM में क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म इसका बता चुका हूँ आपको पहले, है ना। तो ऐसे इसमें लिखा ही है, तो 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, आर्टिकल 244 से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज सिक्किम एक्सेप्ट असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, दिस इज वॉट AMTM इज, लिखी दिया है पागलो टाइप्स, इसमें पूछना क्या है, AMTM, दिस इज कॉल्ड AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, है ना। तो ये 6th शेड्यूल में कवर्ड है, राइट, ये वाले 6th शेड्यूल में कवर्ड है। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें, क्या है फीचर्स, बाय डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज कौन करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लिस्ट में ऐड कौन करता है, पार्लियामेंट ऐड करता है, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिस्ट में ऐड पार्लियामेंट करता है, डिक्लेयर शेड्यूल एरिया को प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, कंसल्ट करता है गवर्नर के साथ और फिर इसको डिक्लेयर करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो इन जो ये शेड्यूल एरियाज होते हैं, इनमें एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है ना, जिनमें जो ये ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव जो यू नो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, वो इसमें होते हैं एडवाइजरी काउंसिल में, है ना। अब आप मेरे को कमेंट करके क्या बताओगे, इसमें अच्छा मैंने नहीं लिखा है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की कंपोजिशन बताओगे, है ना, कि कितने मेंबर्स होते हैं, 20 होते हैं, 15 कहाँ के होते हैं, 20 होते हैं, 15 होते हैं, 7 होते हैं, जितने भी होते हैं मतलब, है ना, कंपोजिशन बताओगे उनमें से कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, है ना, एक बार जाके रिवाइज करना और लक्ष्मीकांत से, और फिर नीचे कमेंट करके बताना कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है। लॉ एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरियाज विद गवर्नर एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरियाज। तो जो गवर्नर है उसके पास बेसिकली पावर होती है शेड्यूल एरियाज के केस में, कि वो कोई भी पार्लियामेंट का लॉ बोल सकता है कि भाई ये हमारे इस एरिया में अप्लाई नहीं होगा, है ना, या फिर अप्लाई होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा, है ना, तो वो गवर्नर के पास पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक कमीशन सेटअप करेंगे। किस लिए कमीशन होगी, ये कमीशन बेसिकली शेड्यूल एरियाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं उस वो बताएगी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 6th शेड्यूल पे आते हैं, है ना, 5th शेड्यूल की बात के लिए 6th शेड्यूल के बारे में आते हैं। तो 6th शेड्यूल किससे डील करता है, AMTM असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, राइट। तो ये इसके अगेंस्ट एक लॉ है,
शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये बहुत पुराना एक्ट है, 2006 में आया था। क्या करता है ये भाई, फॉरेस्ट राइट जो है ट्राइबल लोगों के जो फॉरेस्ट राइट्स होते हैं ना, उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे ट्राइबल्स जो होते हैं वो यू नो बैम्बू वगैरह ये सब कलेक्ट करते हैं ना फॉरेस्ट से, तो इनके इन राइट्स को ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कि इनका राइट है कि ये लोग ये यू नो यहाँ से लेके इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट दिस ऑल टॉक्स अबाउट, कि ये जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो फॉरेस्ट के सामान बेच के अपनी जिंदगी काटते हैं, है ना, उनके राइट्स को ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन में बात करते हैं कि एजुकेशन फील्ड में क्या क्या आया था। तो सबसे पहला है सार्थक। व्हाट इज सार्थक? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो नाम में पता चल रहा है सार्थक क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को हम होलिस्टिकली डेवलप करेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। कौन, अभी एजुकेशन की बात हो रही है तो कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगी, है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो बस इतना याद रखना है। क्या इसका एम है, एम क्या है इसका, इसका एम है भाई कि हम क्या करेंगे, डाइवर्स नेशनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस को हम मीट करेंगे, ताकि हम यू नो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स को यू नो स्किल्स इम्पार्ट कर पाएँ अकॉर्डिंगली, है ना। आपने देखा होगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना लीनियर सा है ना, जो पढ़ाते हैं वो आगे काम आता नहीं है, है ना। वो तो अभी इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इन्होंने यू नो एक वोकेशनल एजुकेशन का कंपोनेंट इंक्लूड किया है, नहीं तो कुछ था ही नहीं, है ना। बुक थी, आप पढ़ते थे, मार्क्स लाते थे, 1, 2, 3 में आ जाते थे, तो सब कुछ, पापा कुछ, मम्मी कुछ, टीचर भी कुछ, है ना। तो इससे कुछ आपको लाइफ स्किल थोड़ी मिले, है ना, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग यू टूवर्ड्स एनीथिंग। आप क्या करोगे, आप भाई पढ़ाई करोगे अच्छे से, 10th 12th में मार्क्स लाओगे, है ना, फिर आपको बोलेंगे IIT या फिर इसका इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम दे दो, है ना, उसके बाद अच्छी रैंक ले आओगे कॉलेज में, 4 साल पास आउट हो जाओगे, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लेके सेटल हो जाओगे, यही बोलते हैं, है ना। नोबडी टॉक्स अबाउट इनोवेशन, नोबडी टॉक्स अबाउट यू नो स्टार्टअप्स, नोबडी टॉक्स अबाउट डूइंग समथिंग एल्स, मेकिंग एन इम्पैक्ट, है ना, कोई ये सब नहीं सोचता, राइट। पीपल हार्डली फॉलो देयर पैशन, है ना, हमने देखा ये, तभी तो इंडिया का यू नो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 139 है, ऑल्दो आवर इकॉनमी इज ग्रोइंग, है ना, इकॉनमी ग्रो कर रही है, पैसा है, है ना, तभी से यू नो वो बात आ जाती है कि यू नो मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, क्योंकि आप जब तक अपना पैशन, अपनी कॉलिंग फॉलो नहीं करोगे, तब तक यू वॉन्ट बी हैप्पी, यू वॉन्ट बी पीसफुल, है ना, वो बस आपको पैसा मिलेगा जिसका आप कुछ कर नहीं पाओगे, राइट। तो थिंक अबाउट इट, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, तो क्या है ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, तो बेसिकली क्या है ये, IIM बैंगलोर के साथ यू नो जो हमारी संघ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली क्या है, जो पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी पे सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, है ना, उस पर सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो क्या होता है, इसका एक एग्ज़ाम होता है, बेसिकली ये लोग एक एग्ज़ाम करते हैं, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आप पास हो गए तो आपको 2 साल का कोर्स करना रहता है। अब इस 2 साल में क्या है, ये IIM बैंगलोर कोर्स कराता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पहले साल 50,000 स्टाइपेंड मिलता है हर महीने का, है ना, उसके बाद अगले साल 60,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर देखा था, थोड़ा रिसर्च किया था, तो ऐसा मिलेगा। और उसके बाद ये आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल आप सीधा IIM बैंगलोर में जाके पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई करोगे, है ना, फिर जाओगे किसी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जो जहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट हुए होगा, और वहाँ पे जाके एक्चुअली पॉलिसी फ्रेम करोगे और हेल्प करोगे डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि हम जो ये स्किल डेवलपमेंट है डिस्ट्रिक्ट में, उनको हम बढ़ा पाएँ, मतलब बेसिकली आपको पॉलिसी बनानी है ना। तो इट विल अंडरस्टैंड ओवरऑल स्किल इकोसिस्टम विद बीइंग अटैच्ड टू डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज, है ना, आप कलेक्टर के साथ डायरेक्टली काम करोगे इसमें, है ना, एंड मैनेज द स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। तो स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग को ये मैनेज करेगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, फॉर्मुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स। तो डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए ये प्रोग्राम है, अच्छा इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइन विद संकल्प। व्हाट इज संकल्प, फुल फॉर्म बताओ मेरे को क्या है संकल्प का, कमेंट सेक्शन में, है ना, संकल्प का फुल फॉर्म बताना नीचे कमेंट करके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और E9 इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज E9 इनिशिएटिव, E9 है तो मतलब 9 कंट्रीज हैं इसमें, है ना। अब 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं हम देख लेंगे। तो पहले अब देखो इसको कैसे आप कर सकते हो बिना समझे कि ये है क्या, है ना, E9 लिखा है, ठीक है, E9 लिखा है, हमने देखा था कि जहाँ पे भी E आता है, जैसे ई प्लेटफॉर्म कुछ होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ई प्लेटफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, है ना, यही सब होता है ई से मतलब, ठीक है, ई कहीं भी आ जाए ना तो इसका मतलब यही होता है।
तो E9 मतलब क्या है? E मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल टाइप की चीज होगी, है ना, डिजिटल टाइप की चीज होगी, और 9 है मतलब 9 कंट्रीज है इसमें, है ना, तो दिस इज 9 कंट्रीज. E मतलब डिजिटल, 9 मतलब 9 कंट्रीज. अब क्या है बेसिकली, तो ये जो 9 कंट्रीज है ना वो आपस में एक साथ आएंगी, ये 9 कंट्रीज आपस में एक साथ आएंगी और डिजिटल लर्निंग को एक्सेलरेट करेंगे, है ना. ई आ गया तो समझ में आ गया डिजिटल है कुछ, तो डिजिटल लर्निंग को बूस्टअप करने के लिए, डिजिटल लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए ये आया है. समझ में आ गया, डिजिटल लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए ये इनिशिएटिव है. अब इसमें है क्या, इट इज़ अ पार्टनरशिप, इट इस्टैब्लिश हुआ था 1993 में. मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, ये सारी इसकी यू नो कंट्रीज हैं, या वो याद कर लेनी है. ठीक है, इंडिया है इसका पार्ट, बस याद रखना इंडिया इसका पार्ट है. क्या करेगा ये E9 इनिशिएटिव, इट विल स्केल अप द डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, एजुकेशन फॉर ऑल वाज हेल्थ, है ना. अरे मतलब कुल मिलाकर डिजिटल लर्निंग को बढ़ाएगा ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है कि एजुकेशन फॉर ऑल, उसको हम अचीव कर पाए, है ना. तो ये एजुकेशन को बेसिकली बढ़ाने के लिए, डिजिटल लर्निंग को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव है, बस इतना याद रखना है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं और हेल्थ पे आते हैं, है ना, हेल्थ के बारे में बात करते हैं. तो पहला है प्रधानमंत्री, जस्ट अ मिनट, पहला क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि. तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, व्हाट इज, अब नाम तो देखते हैं, प्रधानमंत्री तो सभी में रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं उनको, है ना. स्वास्थ्य इज हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य डायरेक्टली हेल्थ, सुरक्षा हेल्थ को प्रोटेक्शन करना है हमको, है ना, हेल्थ को प्रोटेक्शन करना है. ठीक है, तो कैसे करोगे हेल्थ को प्रोटेक्ट, कैसे करोगे, इंश्योरेंस देके, है ना, और सारे लोगों को इंश्योर करो आप, है ना, ऐसे कर सकते हो. तो इसके लिए बेसिकली क्या है, फंड क्रिएट किया गया. फंड क्या है, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है. तो ये बेसिकली इसमें इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर में पैसा लगाएगी वो इस फंड के थ्रू जाएगा. इट इज़ अ फंड फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट. तो ये ना पब्लिक अकाउंट का ये पार्ट है, किसका पार्ट है, पब्लिक अकाउंट का. द प्रोसीड्स ऑफ जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है ना, जो अभी 4% है करेंटली, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है उससे जो पैसा जाता है वो इसी फंड में जाता है. फिर यहाँ से ये हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्चा होता है, जैसे कि नए हॉस्पिटल बनाने हैं, रूरल हॉस्पिटल बना रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्चा करना है, तो ये सब इसी फंड के थ्रू होता है ना. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि इज इंटरेस्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. बहुत ही सिंपल है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, करेक्ट. इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वुड बी इनिशियली इनकर्ड बाय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एंड देयर आफ्टर फ्रॉम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट. तो इनिशियली जो खर्चा होगा वो इसी फंड के थ्रू होगा और बाकी फिर एक्सेस जो होगा वो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के थ्रू होगा. वॉट इज ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, क्या है ये जो वर्ड आया है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लान होता है, कोई सेंट्रल प्लान होता है जिससे यू नो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर मीट करती है. जो भी प्लान एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर के थ्रू, उसको मीट करने के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दिया जाता है. बजटरी सपोर्ट मतलब जो बजट में दिया जाता है ना, बजटरी सपोर्ट मतलब जो बजट में दिया जाता है, जो पैसा एलोकेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड बजटरी सपोर्ट. ठीक है, इट इंक्लूड्स टैक्स रिसीट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट. समझ आ गया. उसके बाद आगे दो इनिशिएटिव्स और हैं, बात कर लेते हैं. अनामया, इट इज अ एक मिनट इसका ना अपन वो चेंज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लैक. तो व्हाट इज अनामया, अनामया क्या है, ये बेसिकली ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का और ट्राइबल अफेयर्स का. तो ट्राइबल अफेयर्स आ गया तो ट्राइबल अफेयर्स तो मिनिस्ट्री होगी, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका मिला के कोलैबोरेशन है, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, है ना. कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, पिरमल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये इसको सपोर्ट कर रही है ना. तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के जो एफर्ट्स हैं, किस लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हेल्थ को बढ़ाने के लिए और उनका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए उनके जो एफर्ट्स हैं उनको कन्वर्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगा. समझ आ गया, वो करेगा ये अनामया. तो आपको याद रखना है ये अनामया किससे रिलेटेड है, ट्राइबल हेल्थ से, ट्राइबल लोगों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, इस टाइप से याद कर लो, ट्राइबल हेल्थ के लोगों को बढ़ाने के लिए. ठीक है, उसके बाद आता है मानस ऐप. वॉट इज़ मानस ऐप, तो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट का, उसने लॉन्च किया है मानस ऐप. क्या है मानस, मतलब मेंटल, हम से याद कर लो मेंटल, है ना, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है, मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, है ना. तो मानस का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम. मानस का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, करेक्ट.
तो इससे क्या है, बेसिकली मेंटल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, एक्सेप्शनली स्पेशली ड्यूरिंग COVID-19 टाइम्स है ना, वहाँ पे मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ख़राब हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये मानस ऐप है। इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव स्केलेबल नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म एंड एन ऐप, समझा गया, इंटीग्रेट्स द हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स। तो ये बताने की कोई बात ही नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड है, इंडिजीनियस टूल्स डेवलप करेंगे और इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, नॉर्मल है। बस आप याद रखो ये मानस ऐप है किससे रिलेटेड, मेंटल वेलबींग से रिलेटेड, मेंटल वेलबींग को बढ़ाने के लिए ये मानस ऐप है, बस इतना याद रखो। और किसने लॉन्च किया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर। फिर आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। इसका पहले हम कलर चेंज कर देते हैं सबसे पहले, आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो क्या है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जस्ट अ मिनट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 क्या है भाई, इसमें स्वच्छता का सर्वे होगा, कौन करेगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कौन कंडक्ट करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अलॉन्ग विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग महुआ उसको कंडक्ट करता है और QCI जो है उसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है ना। तो अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता को सर्वे करने के लिए आप क्या क्या देखोगे, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ना, जो आपका ड्राई वेस्ट है, जो आपका लिक्विड वेस्ट है, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है ना, तो ये सब हम देखते हैं। तो इसमें दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ODF+ और ODF++। ODF+ किससे डील करता है, इट फोकसेस ऑन टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन, है ना। तो जो टॉयलेट्स होते हैं उनसे जो एक्सक्रीटा निकलता है उसको मैनेज कैसे कर रहे हो आप, उसको ट्रीट कैसे कर रहे हो, उसका जो पानी होता है उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ODF+। और ODF++ में क्या है, जो स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट होता है ना, जैसे कूड़ा कचरा जो नालियों में रहता है ना उसको कैसे मैनेज करो, दैट इज स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से, एसोशाम, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फिक्की। तो ये आपको याद रखना है, एसोशाम, CII एंड फिक्की, ये इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटी, है ना, अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, राइट, ऑफ 1860, एंड गवर्न बाय अ काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स। तो बेसिकली वही गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स का इक्वल इसमें रिप्रेजेंटेशन है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है, DPIIT का, हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है ये, है ना, तो DPIIT भी इसके अंदर आता है। चेयरमैन कौन है इसका, प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपको याद रखना है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपको याद रखना है, कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और CRI इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये कौन रिलीज करता है, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ये इसको मिलकर कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी रिलीज करते हैं। अब इसमें 3 एरिया पे रैंकिंग दी जाती है, पहला है पब्लिक सर्विसेज, दूसरा है टैक्सेशन, तीसरा है वर्कर्स राइट। पब्लिक सर्विसेज में भी 3 और सब कैटेगरीज हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, बस इतना ही याद रखना है, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, ये तीनों पे रैंकिंग दी जाती है, समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जेंडर संवाद इवेंट के बारे में बात करते हैं, जेंडर संवाद इवेंट, व्हाट इज जेंडर संवाद इवेंट। तो ये बेसिकली एक जेंडर डायलॉग है इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, किसके अंडर लॉन्च हुआ है, जो अपनी दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, DAY NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या है इसका एम, क्या है कि भाई अवेयरनेस जनरेट करेंगे जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन पे अंडर DAY NRLM अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो बेसिकली जेंडर सेंसिटिविटी और इक्वालिटी, इक्विटी, इसके बारे में बात करने के लिए इनको ये जेंडर संवाद, संवाद क्या होता है, व्हाट इज संवाद, नाम से देखो ना, व्हाट इज संवाद, संवाद इज डायलॉग, है ना, संवाद इज डायलॉग, संवाद किसको बोलते हैं, डायलॉग, आप जब बात करते हो किसी टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड संवाद। जेंडर संवाद मतलब, व्हाट इज जेंडर संवाद, आप जेंडर के टॉपिक पे बात करो, जेंडर के टॉपिक पे क्या चल रहा है आजकल, इक्वालिटी, वुमेन राइट्स, इक्वालिटी, यही सब चल रहा है ना, इक्विटी दो वुमेन को, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, यही सब चल रहा है, तो इसी के लिए ये संवाद है, बस नॉर्मल, इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। बस ये याद रखो कि लॉन्च किसने किया है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, समझ आ गया। चलो फिर, इतना पढ़ लिया, बहुत है यार आज के लिए, इतना पढ़ाई नहीं करी जाती है ना बहुत पढ़ लिया, अब बाकी अगले लेक्चर में पढ़ते हैं ना। बाकी आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, टेस्ट देना चालू कर दीजिए ना, ताकि अपना आपका प्रिपरेशन ट्रैक पर रहे, और प्रीलिम्स अभी आने वाला है, तो पूरा फोकस
प्रीलिम्स पे ही रखना, कहीं मेन सेंस के लिए पढ़ते मत रहना अगला, है ना, क्योंकि मतलब वही है, मतलब अगर पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो प्रीलिम्स पे फोकस इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीलिम्स पहले क्लियर करो, देन मेंस के बारे में सोचना, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देते रहो, फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, है ना, फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहो और हो जाएगा यार, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।